चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं प्लीज। थोड़ा सा आपने मुझे कल बोला था, इसीलिए मैंने दिलीप जी को बुलाया है आज, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व होनी चाहिए। अमित की भी समस्या थी, काफी अच्छे स्टूडेंट हैं अमित हमारे, और कई बच्चे बोल भी रहे थे मुझे, सुमित जी भी बोल रहे थे एक दिन, तो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों की समस्या सॉल्व जरूर होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ की तो आप टेंशन लो मत, मैंने पहले बोल दिया। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर बेटा? विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पर, 16.3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात करो। वास्तविक लाभ हम किस पे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, वास्तविक लाभ बेटा हम हमेशा जब भी निकालेंगे क्रय मूल्य पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो हमारा सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है? 16.3%। 16.3% का मतलब मैंने आपको बताया था कल, 1/6, यानी कि 6 हमारा क्या है यहाँ पे, ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, ये बेटा हमारा प्रॉफिट हुआ, ध्यान देंगे सभी बच्चे। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 6 है, प्रॉफिट हमारा 1 है। जो चीज हम 6 रुपए की बेच रहे हैं उस पे हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी बेटा हमने? 6 रुपए की ली होगी, सॉरी 5 रुपए की ली होगी। कितने की ली होगी? 5 रुपए की। जो चीज हम 6 रुपए की बेच रहे हैं उस पे हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी? 5 रुपए की ली होगी। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 5 रुपए के सौदे पर। तो 100 रुपए के सौदे पर कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 20%। एक्चुअल प्रॉफिट 20% का होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 20% का होगा, बिल्कुल सही जवाब। बोलिए, सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा दिल से, क्लियर? सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा दिल से, क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर सुरेंद्र जी? क्लियर निशांत जी? क्लियर? क्लियर प्रियंका जी? क्लियर दिल से? क्लियर अमित? आप भी बोलते रहो, आपके कमेंट मुझे ताकत देते हैं बहुत। सभी बच्चों के जो कमेंट हैं, शिव प्रकाश आपके जो कमेंट हैं, सचिन जी मुझे बहुत एनर्जी देते हैं, इसीलिए प्लीज आप सभी जरूर कमेंट करेंगे एक बार, बस चाहे भले ही थंब बना दें इस तरह, ललन टॉप, थैंक यू। देखो हम जब हमें विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है 16.3%, 1/6 कि 6 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है, 1 रुपया हमारा प्रॉफिट है। जो चीज हम 6 रुपए की बेच रहे हैं उस पे हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ध्यान देंगे तो कितने की लिए होगी? 5 रुपए की लिए होगी। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है 5 रुपए के सौदे पर, तो 100 पर कितना? 20%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। रजत किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 8.1% का लाभ कमाता है। 8.1% का लाभ विक्रय मूल्य पर है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? 8 * 24 और 1 = 25, 25/3 × 1/100। ध्यान देंगे 25 * 100, 1/12 है, यानी कि 12 हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य हमारा 12 है, प्रॉफिट हमारा 1 है। ध्यान देंगे हमें विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा। जो चीज हम 12 रुपए की बेच रहे हैं उस पर हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने की ली होगी बेटा? 11 रुपए की ली होगी। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए के सौदे पर? 11 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? 9.1/11%। 9.1/11%। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अर्पित, आशीष प्रताप, बहुत अच्छा। नेहा सक्सेना, बहुत अच्छा। पुष्पांजलि, बोलते रहो बेटा। अमित कुमार, बोलते रहो। श्याम सुंदर जी, बोलते रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लियर, बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू श्री प्रकाश, दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन बेटा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जितने की बंदा ही है, जितने की लेके आया है उतने पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। 30% कम वजन का प्रयोग करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाभ परसेंट कितना होगा? देखो बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक ओपन प्रॉफिट, एक हिडन प्रॉफिट। हिडन प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हम दुकान पे गए, दुकान पे गए कुछ सामान लेने के लिए,
और दुकानदार ने कहा कि जितने का ये बना है ना मैं आपको उतने का ही दूंगा, लेकिन वो कम तोल रहा है, कम तोल रहा है, 1 किलो की जगह मान लो 900 ग्राम तोल रहा है। तो इस बात के बारे में आप लोग नहीं जानते, इस बात के बारे में आप लोग नहीं जानते, यानी हम नहीं जानते, कस्टमर इस बात के बारे में नहीं जानता, लेकिन शॉपकीपर इस बात के बारे में जानता है। तो इस तरह के प्रॉफिट को, जिसके बारे में शॉपकीपर तो जानता हो लेकिन कस्टमर नहीं जानता हो, इस तरह के प्रॉफिट को हम हिडन प्रॉफिट कहते हैं। और ऐसा प्रॉफिट जिसके बारे में शॉपकीपर भी जानता हो और कस्टमर भी जानता हो, ओपन प्रॉफिट कहते हैं। कि कस्टमर शॉपकीपर ने कहा कि ये चीज बेटा 100 रुपए की बनी है, 100 रुपए की बनी है और मैं 10% के लाभ पर दूंगा, तो भैया 110 रुपए की हमें लेके आनी है, इसके बारे में हम भी जानते हैं और शॉपकीपर भी जानता ही होता है, ओपन प्रॉफिट। लेकिन कम तोलना, कम नापना, ये जो सभी चीजें हैं ये हैं हिडन प्रॉफिट के बारे में, छुपे हुए लाभ के बारे में। एक बार बताइए, यदि कस्टमर को पता लग जाएगा, यदि आपको पता लग जाएगा कि कम तोल रहा है, कम तोल रहा है, तो मुझे बताना आप लेके आओगे, आप कभी लेके आओगे? आप बेटा कभी लेके नहीं आओगे, आप उसे इनाम में कुछ दे के आओगे, उसे आप इनाम में कुछ दे के आओगे, जिंदगी भर याद रखेगा। तो इस तरह के प्रॉफिट को जिसके बारे में शॉपकीपर तो जानता हो लेकिन कस्टमर नहीं जानता हो, इस तरह के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? हिडन प्रॉफिट बोलते हैं। ध्यान दो, आप हिडन चैलेंज नहीं, ओपन चैलेंज करते हैं। थैंक यू से प्रकाश। देखो 30% कम तोलता है, मान लो 1 किलोग्राम की लागत मूल्य 1000 रुपया थी, तो दुकानदार को ये पता है कि मैं कम तोल रहा हूं, तो 1 किलोग्राम की जगह वो 30% कम वजन तोल रहा है। 1000 का 30% 300 ग्राम कम तोला, कितना तोला? 700 ग्राम तोला। तो 700 ग्राम की लागत मूल्य कितनी होगी? 700 रुपया होगी। लेकिन कस्टमर को पता है कि ये 1 किलो 1000 रुपए की है, तो मुझे इसके 1000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 700 रुपए की चीज के, सो कस्टमर को 1000 रुपए देने पड़े। कितने का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। कितने के सौदे पे हुआ? 700 के सौदे पे हुआ। तो 100 पर कितना? 2 जीरो खत्म, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 42 सही, 6 बट्टे, 42 सही, 6 बट्टे, 7% है कहीं बेटा? आप आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। सभी बच्चे बोलेंगे एक बार, देखो 1 किलोग्राम की लागत मूल्य मैंने मान ली 1000 रुपया, कितने कम तोल रहा है? 30%, 30% का मतलब 300 ग्राम, 700 ग्राम तोलेगा, तो 700 ग्राम की लागत मूल्य 700 रुपए हो गई। दुकानदार की तो ये चीज 700 रुपए में पड़ी होगी, और दे कितने की रहा है उसको? वो 1000 रुपए की, जितने की बनी है उतने की दूंगा मैं आपको। तो कस्टमर ने कितने रुपए दिए होंगे? 1000 रुपए, सेलिंग प्राइस 1000 रुपए हुआ, 700 रुपए की चीज के 1000 रुपए मिल रहे हैं शॉपकीपर को, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 300 का। कितने के सौदे पर? 700 के सौदे पर। तो परसेंटेज 100 की, 2 जीरो खत्म, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, बट्टे 7, 42 सही, 6 बट्टे 7%। मेरा आ गया दिल से क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरजीत सिंह क्लियर क्लियर, सभी बोलो भाई एक बार। अमित कुमार आपका कमेंट नहीं आ रहा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो। अर्पित क्लियर, आशीष क्लियर, शिव प्रकाश क्लियर, निशांत जी क्लियर, लाजवाब। नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान दो। लो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% की हानि पर बेचने का वादा करता है। ध्यान दो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम तोलता है। 30% कम तोलता है, तो वास्तविक हानि परसेंट क्या होगी? वास्तविक हानि परसेंट क्या होगी? थोड़ा जूम कर दिया, लो जूम कर दिया। क्या बोला मैंने? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम तोलता है। ध्यान देना, 1 किलोग्राम की लागत मूल्य 1000 रुपया है, 30% कम तोल रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है वो? 700 ग्राम, 700 ग्राम, 30% कम तोल रहा है, 30% कम तोल रहा है, 300 ग्राम, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। लेकिन क्या बोला उसने कि मैं 44% की हानि पर बेच रहा हूं, तो 1000 का 44% कितना हो गया? 440। निकाल सकते हैं आप, 1000 का 44% कितना हो गया? 440, यानी कि 1000 रुपए की चीज कितने में बेच रहा होगा? 1000 माइनस 440 कितना हो गया? 560,
यानी कि 560 रुपए की बेच रहा होगा। ये हुआ हमारा क्या सेलिंग प्राइस, यानी कि 700 रुपए की चीज को वो 560 रुपए में बेच रहा है, 700 रुपए की चीज को 560 रुपए में बेच रहा है। यहां मैंने 440 माइनस कर दिया, कितने का लॉस हो रहा है बेटा, कितने का लॉस हो रहा है, ध्यान देंगे, कितने का लॉस, 140 का लॉस, कितने के सौदे पर, 700 रुपए के सौदे पर, 700 रुपए के सौदे पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना कैंसिल, 7 × 2 = 14, 20% 20% का लॉस है कहीं, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज राइट, बोलना पड़ेगा 20% लॉस, दिल से क्लियर पुष्पांजलि, बहुत सही पुष्पांजलि, बहुत सही श्याम सुंदर जी, क्लियर, बिल्कुल मोटा हिसाब है, मोटा हिसाब है आशीष प्रताप जी, क्लियर। देखो 1000 रुपए की लागत मूल्य, उसने कहा कि 44% की हानि पे बेचता हूं, तो 1000 का 44% 440 में बेचा होगा, 560 में बेचा होगा, लेकिन कितना कम तोल रहा है, 30% कम तोल रहा है, तो 300 ग्राम कम तोल रहा है, तो 700 रुपए 700 ग्राम की तोल रहा है, क्लियर अमित कुमार, थैंक यू अमित। देखो भैया 700 रुपए कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस 560 हुआ, 700 रुपए की चीज 560 में बिक रही है, कितने में बिक रही, कितने का लॉस हो रहा है, 140 का, कितने के सौदे पर, 700 पर, तो 100 पर कितना, 20% का लॉस। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। लो कृष्णा, 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत आता है, ये कराया भी है मैंने आपको पहले वाले असाइनमेंट में। कृष्णा ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, तो बेटा मैंने बताया था कॉस्ट और क्वांटिटी, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, ध्यान आ गया होगा क्वेश्चन, आपको ध्यान है, तुरंत कर सकते हैं। 10 रुपए में कृष्णा ने कितनी वस्तुएं खरीदी, 11, और भैया 11 रुपए में कितनी बेची, 10। देखो मैंने कहा था क्वांटिटी को बराबर कर दो, मैंने कहा था क्वांटिटी को बराबर कर दो, यानी कि वस्तुओं को बराबर कर दो, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, 100 रुपए यानी कि 110 आर्टिकल कितने के बिके, कितने खरीदे, 100 रुपए के, और यहाँ 110 आर्टिकल कितने के बेचे, 121 के, ध्यान देना भैया, यानी कि 110 आर्टिकल 100 रुपए के खरीदे थे, 121 के बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का, कितने के सौदे पर, 100 पर, तो परसेंटेज कितने की, 100 की, बराबर 21%, बराबर 21% प्रॉफिट, सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये मैंने आपको समझाया था कल, परसों बताया था बहुत डिटेल में, क्या क्वांटिटी बराबर कर दी, यानी कि यहाँ पे ये 11 आर्टिकल यहाँ 10 आर्टिकल बराबर करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से, यहाँ 10 से, यहाँ भी 11 से, 110 आर्टिकल 100 रुपए के हमने खरीदे, 110 आर्टिकल हमने 121 रुपए के बेचे, 100 रुपए की चीज 121 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का, कितने के सौदे पर, 100 पर, तो 100 पर कितना, 21%, दिल से क्लियर, दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, करके दिखाएंगे। करण ने 5-6 कलम 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, ध्यान देना, और 5 कलम 6 रुपए के हिसाब से बेची, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, वही चीज कॉस्ट और क्वांटिटी, बहुत गजब चीज, कॉस्ट और क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, 5 रुपए में 6 कलम इसने खरीदी और भैया 6 रुपए में 5 कलम इसने बेची, दोनों को बराबर कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से, ये कितनी कलम हो गई, 30, यहाँ कितनी कलम हो गई, 30, कितना हो गया, 25 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 36 रुपए बेटा सेलिंग प्राइस है, 25 रुपए की चीज 36 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ, कितने के सौदे पर, 25 के सौदे पर, परसेंटेज 100 की, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 44% का प्रॉफिट, आंसर है कहीं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, बहुत गजब, बहुत गजब सर, बहुत गजब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत गजब निशांत जी, बहुत अच्छा, थैंक यू निशांत, थैंक यू, दिल से शुक्रिया भैया। शिव प्रकाश जी, श्याम सुंदर जी, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, देखो ध्यान दो, ये अमर ने कुछ सेब 1 रुपए के 2 के हिसाब से, उतने ही सेब 2 रुपए में 1 के हिसाब से खरीदे, ध्यान देना, अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसने सभी सेब 4 सेब 3 रुपए के दर से बेचे, 4 सेब 3 रुपए की दर के हिसाब से उसने बेचे, तो हान परसेंट या लाभ परसेंट, ओहो हो, क्या क्वेश्चन दे दिया, गजब क्वेश्चन है भाई।
अमर ने कुछ सेब, ध्यान देना क्वेश्चन के सेंटेंस पर ध्यान देना, एक सेब 2 रुपए के हिसाब से, एक सेब 2 रुपए के हिसाब से, और उतने ही सेब जितने एक सेब 2 रुपए के भाव में खरीदे हैं, उतने ही सेब 2 सेब 1 रुपए की दर से खरीदे, सभी को मिला दिया, सभी को मिला दिया, और सभी को मिला के 4 सेब 3 रुपए के बेचे, सभी को मिला के 4 सेब 3 रुपए के बेचे, तो उसे लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई? बहुत गजब क्वेश्चन, देखो ऐसे ही करेंगे, कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट क्वांटिटी ध्यान दो, 2 रुपए में इसने कितने सेब खरीदे, एक, और यहाँ 1 रुपए में 2 सेब, दोनों दो तरह के सेब इसने खरीदे, लेकिन क्या बोला है, उतने ही सेब, क्या सेब बराबर हैं? क्या सेब बराबर हैं? सेब बराबर नहीं है, सेब को बराबर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से, 4 रुपए के कितने सेब हो गए, 2, 1 रुपए के कितने सेब हो गए, 2, 2 और 2 कितने सेब हो गए, 4, कितने रुपए में हो गए, 5 रुपए में, कॉस्ट प्राइस हो गया कि 4 सेब हमने 5 रुपए के खरीदे, 4 सेब हमने 5 रुपए के खरीदे और 4 सेब 3 रुपए की दर से बेचे, 4 सेब 3 रुपए की दर से हमने बेचे, ये सेलिंग प्राइस, यानी कि हम 5 रुपए के लेके आए थे, 3 रुपए के बेचे, कितने का लॉस हुआ, 2 का, 2 का लॉस कितने के सौदे पे, 5 के सौदे पर, 100 पर कितना, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 परसेंट का लॉस, 40% का लॉस, तो यहाँ 40% लॉस कर लेना, 40% का लॉस, लॉस आंसर 40% लॉस, बहुत सही जवाब आप लोगों का, अमित कुमार बिल्कुल सही जवाब, अमित शाबाश, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं बेटा, बहुत सही शाबाश, तो देख रहे हो ना क्वेश्चन को, यहाँ पे 2 तरह के खरीदे, सेम आर्टिकल थे, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया, फिर इतने दर से बेच दिए, बस वही है, कितने का खरीदा, कितने का बचेगा, 1 2 3 4, लॉर्ड भगवती सर की जय जयकार, ओ थैंक यू भैया, थैंक यू शिव प्रकाश, थैंक यू शिव प्रकाश, जरा एक गिलास पानी मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ दोबारा समझो नेहा, दोबारा समझो नेहा, 2 रुपए में हमने एक सेब 2 रुपए के भाव से खरीदा, हिसाब से, हिसाब से, हिसाब है ये, और उतने ही सेब 2 सेब 1 रुपए, 1 रुपए में 2 सेब खरीदे, देखो दोनों यहाँ से उतने ही सेब, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देंगी इस नेहा बेटा, दोनों सेब को बराबर कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, 4 रुपए में 2 सेब, 1 रुपए में 2 सेब, 2 और 2 कितने सेब हो गए, 4, कितने रुपए के बेटा, 5 रुपए के, 4 सेब हमने 5 रुपए के खरीदे, और बेटा यहाँ पे दिया है कि 4 सेब हमने 3 रुपए की दर से बेचे, 4 सेब 3 रुपए के बेचे, 5 रुपए के लेके आए थे, 3 रुपए के बेचे, मोटा हिसाब है, पता लग गया, हम 4 5 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए थे और हमने 3 रुपए की बेची, हमें 2 रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ, कितने के सौदे पर, 5 रुपए के सौदे पर, परसेंटेज कितने की, 100 की, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% बेटा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं थैंक यू से प्रकाश, पानी आ गया है, थैंक यू अमित कुमार, थैंक यू, नेहा बोलेंगी बेटा, क्लियर, नेहा सक्सेना क्लियर सर, सचिन कश्यप क्लियर, थैंक यू सबके लिए, थैंक यू, आशीष प्रताप, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है अब, क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इससे पहले एक क्वेश्चन आपको, बिजी मैंने करा चुका हूँ, पहले करा चुका हूँ, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ऐसे ही कराऊंगा, देखो 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, एक क्वेश्चन तो संतरे और नींबू का बड़ा खतरनाक आता है, मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक आता है, लेकिन आपका आंसर अमित कुमार बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से कि कम से कम हमारे स्टूडेंट तुरंत जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि, यानी कि 100 रुपए की चीज है, 20% की हानि पे बिकेगी, कितने में बिकेगी, 80 में, और 20% का लाभ कमाना है, 100 रुपए की चीज 120 में बिकेगी तो ये प्रॉफिट होगा, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, ये कॉस्ट का रेशो है, ये कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट का रेशो है, और हमें क्वांटिटी का रेशो निकालना है बेटा, तो क्वांटिटी का रेशो कॉस्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 3:2, 3:2, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, पहले हम 1 रुपए के 3 बेच रहे थे, अब हम 1 रुपए के 2 बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा, कितने संतरे हैं, 12,
तीन यूनिट की 12, तीन यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, दो यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर। पहले 1 रुपए में 12 बेच रहे थे, अब 1 रुपए में 8 बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। बोलो क्लियर। बहुत सही पुष्पांजलि, शाबाश, बहुत सही आशीष प्रताप, बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही, थैंक यू सचिन, थैंक यू सचिन। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन हो सकता है ऐसा ही हो, आप लोग जवाब देंगे। लो, विपिन ने कुछ संतरे, 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे खरीद रहा है, पहले तो डायरेक्ट बेच रहा था, अब खरीद रहा है। ये क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए बेटा एग्जाम में, कई कई बार एग्जाम में पूछे गए। 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 25% को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं 1/4 कि 4 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ में मिलेगी तो कितने में मिलेगी, 5 में मिलेगी। किसका रेशो है, कॉस्ट का, कॉस्ट का रेशो है बेटा, क्वांटिटी का रेशो आप निकालेंगे, क्वांटिटी का रेशो निकालेंगे तो 5:4 हो जाएगा। हम 1 रुपए के 5 संतरे लेंगे और 1 रुपए के 4 बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितने हमने खरीदे हैं, 25, 5 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पर हमें 25% का लाभ होगा। 1 रुपए के 25 खरीदे, 1 रुपए के 20 बेचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, गजब। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देखो कितना फास्ट चल रहा है प्रोग्राम। लो, लालू प्रसाद यादव आ गया, लालू प्रसाद ने कुछ संतरे 11 संतरे प्रति 1 रुपए की दर से खरीदे 10% का लाभ कमाने के लिए। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 10% का लाभ 1/10 यानी कि 10 रुपए की चीज कितने में, 11 में। किसका रेशो है बेटा, कॉस्ट का, तो बेटा क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, 11 और 10। 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है या बेच रहा है, खरीद रहा है, 11 यूनिट की वैल्यू 11, 1 यूनिट की वैल्यू 1, 10 यूनिट की वैल्यू, 1 रुपए में 11 खरीद के 1 रुपए में 10 बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। बहुत सही, बहुत सही। अब देख रहे हो ना, प्रैक्टिस मेक ए, आगे सेंटेंस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस मेक ए, आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस मेक ए एवरीवन परफेक्ट। यस, यू आर राइट, प्रैक्टिस ए मेक ए मैन परफेक्ट नहीं, एवरीवन परफेक्ट। बहुत अच्छा, प्रैक्टिस मेक ए एवरीवन परफेक्ट, नॉट मैन परफेक्ट, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कोई भी हो सकता है। सचिन, देखो सचिन, 10% का लाभ हो रहा है बेटा, 1/10, 10 रुपए की चीज 11 रुपए के लाभ में, कॉस्ट का रेशो आ गया सचिन, क्वांटिटी का रेशो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले हम 1 रुपए के 11 संतरे खरीद रहे थे और 1 रुपए के 10 बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट का, 10% का लाभ होगा। 11, यहाँ क्या दे रखा है, 11, 11 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर, 1 की वैल्यू 1, तो 10 की वैल्यू 10। बोलो सचिन, क्लियर, थैंक यू, क्लियर सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अमित कुमार जी, दिल से क्लियर अमित कुमार, थैंक यू। अब लो, एक और आ गया, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, गजब क्वेश्चन, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, ये संतरे बहुत कमाल के संतरे हैं, ये नींबू संतरे बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को परफेक्ट बना देते हैं प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुष्पांजलि, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 1 आदमी को 40% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। देखो 40% की हानि हो रही है जब 1 रुपए के 32 हम बेच रहे हैं, 100 - 40 कितना हो गया बेटा, 60 का बिकेगा। 20% का लाभ कमाना है, 100 + 20 = 120, 60 × 60 = 120, कॉस्ट का रेशो हो गया, कॉस्ट का रेशो हो गया भाई साहब, क्वांटिटी का रेशो आपको हमें बताना पड़ेगा, क्वांटिटी का रेशो 2:1, कितने संतरे बेच रहे थे, 32, 2 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर, 1 × 16 = 16,
एक रुपए के पहले 32 बेच रहे थे तो 40% की हानि हो रही थी, अब एक रुपए के 16 बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पांजलि, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो ये मैं करा चुका हूं पहले, अब नहीं कराएंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम करा चुके हैं, ये भी हम करा चुके नहीं कराएंगे, ये भी हम करा चुके नहीं कराएंगे। हाँ ये है, ये कराऊंगा जरूर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा बहुत पूछा जाता है पेपर में, और ध्यान देना ये क्वेश्चन जब आना शुरू हो जाता है तो लगातार अगले 5 साल तक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ध्यान देना, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत गजब क्वेश्चन है, देखो 10% के लाभ पर बेचता है, मैंने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस वास्तविक क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया, 10% के लाभ पर बेचता है, कितने में बेचेगा, 110 में। ये हो गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 में खरीदा होता, ये हो गया हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता। ये जो 20 रुपए वाली बात है ना बेटा, इसको अलग रख दो उठा के, क्यों रख दिया, क्योंकि जितने में पहले बेच रहा था उससे अब 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ऐसे बाद में देखेंगे तो उसे 40% का लाभ होता है, और 40% का लाभ होगा ना बेटा 80 पे होगा, 80 का 40% कितना हो गया आप जानते हो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 रुपए के लाभ, 32 यूनिट के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 112। ये क्या हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। देखो पहले ये 110 में बेच रहा था, अब ये 112 में बेच रहा है, कितने ज्यादा में बेच रहा है, 2, और यहाँ क्वेश्चन में कितने ज्यादा में बेच रहा है, 20 रुपया, 20 रुपया, ध्यान देना 2 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 यूनिट, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो बेटा 100 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। दिल से क्लियर, क्लियर शिव प्रकाश, क्लियर आशीष, क्लियर श्याम सुंदर जी, क्लियर क्लियर अमित कुमार जी, क्लियर। एक क्वेश्चन दिया जाए ऐसा करेंगे आप, एक क्वेश्चन दिया जाए करेंगे आप, दिल से क्लियर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करना, कोशिश करना। लो ऐसा ही क्वेश्चन है, रेशभ किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, हाँ शिव प्रकाश एक मिनट, रेशभ किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वो रैंक पाएगा पुष्पांजलि, जो मेहनत करेगा रैंक मिलेगी उसको पुष्पांजलि। देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, ध्यान देना ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, और 20% के लाभ पर बेचता है, 120 में बेचेगा बेटा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता, ये क्या हो गया, न्यू कॉस्ट प्राइस, और 18 रुपए कम में बेचा होता, इसको अलग रख दो उठा के, अभी 18 रुपए कम में बेचा होता अलग रख दो, 30% का लाभ, 90 का 30% निकाल दो, 90 का 30% निकालेंगे, 27 ज्यादा में बेचेगा, 27 ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 7 117 में बेचेगा। देखना ये न्यू सेलिंग प्राइस हुआ, पहले कितने में बेच रहा था, 120 में, अब कितने में, 117 में, कितने कम में बेच रहा है बेटा, 3, क्वेश्चन में कितने कम में बेच रहा है, 18 रुपया कम में, 3 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए के बराबर है,
एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर है, 100 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए के बराबर है, आंसर के बराबर है, आंसर के बराबर है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्लियर, मजा आया नहीं आया ये बताइए सभी स्टूडेंट, मजा आया नहीं आया। लो एक और क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से बताइए, लो जल्दी से दिखाइए करके। सेम क्वेश्चन है, संदीप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, मेज का लागत मूल्य क्या होगा। बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा आ रहा है सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने आपको, देखो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हुए आधे घंटे में, कल मैंने 7 क्वेश्चन छोड़े कराए थे आपको, 24वें क्वेश्चन पर चल रहा हूं, 24वें क्वेश्चन पर चल रहा हूं बेटा, 17 क्वेश्चन हो गए आधे घंटे में, देख लो ये है कमाल। देखो 10% ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, 5% कम मूल्य पर खरीद 10% के लाभ पर बेचता है, कितने बेचेगा 110 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यदि वो ऐसे 5% कम यानी कि 5% कम 95 में खरीदता, न्यू कॉस्ट प्राइस तो 20% का लाभ होता, 90 का 95 का 20% कितना होगा, 95 का 20% 20 से काटा 5 पे, 5 से काटा 19 पे, 19 रुपए क्या बोला उसने, ध्यान देंगे 5% कम मूल्य पर खरीद कर, सही है 80 रुपए अधिक बेचता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 20 का लाभ, 19 का लाभ, 20% कितना निकाला है 19, कितने में 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11 114 में, ये न्यू सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने रुपए ज्यादा बिक रही है 4, यहाँ कितने रुपए ज्यादा बिक रही है 80, 4 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर, तो बेटा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 20 बराबर 2000 रुपया, 2000 रुपया आंसर है कहीं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट। तो बेटा मेरी क्लास है अगली तुरंत 3:30 बजे से है, और 5-5 मिनट में क्लास का ब्रेक रहता है मेरी का, बस एक कप चाय पीऊंगा तुरंत दोबारा शुरू हो जाऊंगा। आज मैं इतना ही कराता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।